अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी दोस्तों, कैसे हैं सब? ठीक हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो छोटे से टास्क के ऊपर है कि अक्सर लोगों को काउंटीज़ नहीं मिलती। काउंटीज़ को सर्च करने का क्राइटेरिया क्या है? क्योंकि जब आपने ऑनर इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है तो ऑनर इन्फॉर्मेशन के लिए आपको काउंटी असेसर की वेबसाइट पर जाना पड़ता है। तो अब काउंटी असेसर की वेबसाइट पर जाने के लिए आपको पहले काउंटी का मालूम होना ज़रूरी है कि काउंटी कौन सी है, ठीक है? क्योंकि एक सिटी में अक्सर जो है कई काउंटीज़ भी आ जाती हैं, और अक्सर ये भी हो जाता है कि एक काउंटी में ज़्यादा सिटीज़ भी आ जाती हैं, ठीक है? तो इसका क्राइटेरिया क्या होता है सर्च करने का, वो मैं आज आपको थोड़ा सा इस वीडियो के अंदर जो गाइड कर देता हूँ, दो तीन रिकॉर्ड्स करूँगा ताकि वो सारे की सारी आपको समझ आ जाए। अभी ये मैंने बेलिंगम WA, ठीक है, वाशिंगटन स्टेट का जो है ये सिटी है। तो जब आप इसको सर्च करेंगे, सिटी और स्टेट के नेम से आप सर्च करेंगे, ये मैंने स्टेट दिया और ये सिटी का नेम दिया, हमने इसका सर्च किया। सर्च करने के बाद हमें इस साइड पे इसकी पूरी डिटेल्स आ जाती हैं। यहाँ उसके बारे में डिटेल दी कि कहाँ पे है, वाकई है आपकी जो सिटी है, और यहाँ पे अक्सर काउंटी का नेम भी आ जाता है, ठीक है? अगर यहाँ पे नहीं आता तो यहाँ पे ये विकिपीडिया जो है इसकी वेबसाइट आ जाती है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बेलिंगम इज़ द मोस्ट पॉपुलर सिटी इन एंड काउंटी सीट ऑफ वटकम काउंटी इन द US स्टेट ऑफ वाशिंगटन, ठीक है? अब यहाँ हमें ये काउंटी का हमें नेम मिल गया है कि ये काउंटी कौन सी है, कौन सी काउंटी में मौजूद है, ठीक है, काउंटी असेसर की वेबसाइट पर जाने के लिए। अब हम ये ऐसा करते हैं, ये एरिजोना की है एक एड्रेस, हम इसको सर्च करते हैं, मीसा एरिजोना, ये इसका नेम आ गया। यहाँ इसकी डिटेल है, सिटी इन एरिजोना, ठीक है, मीसा इज अ सिटी जस्ट ईस्ट ऑफ फोनिक्स इन एरिजोना, मीसा ग्रेट कल्चरल पार्क इज होम एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ पे इसके अंदर काउंटी इसकी भी नहीं आई, ठीक है। यहाँ विकीपीडिया में आइए, देखें, मीसा इज अ सिटी इन मैरीकोपा काउंटी इन द US स्टेट ऑफ एरिजोना, ठीक है। अब इसकी हमें काउंटी का पता चल गया कि ये कौन सी काउंटी है, ये मैरीकोपा काउंटी है। हम इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अभी एक और मैं आपको सर्च करके ये दिखा देता हूँ कि ये हमने इसको सर्च की, ये भी एरिजोना की है, अपाचे जंक्शन एरिजोना, इसकी यहाँ डिटेल आए, डिटेल में अपाचे सिटी इन मैरीकोपा एंड पाइनल काउंटीज इन द स्टेट ऑफ एरिजोना अकॉर्डिंग टू द 2019 US सेंसस एस्टिमेट द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी वाज 42,571 मोस्ट ऑफ होम लिव्ड इन पाइनल काउंटी। मीन्स के ज़्यादा इसकी पॉपुलेशन जो है वो पाइनल काउंटी में आ जाती है, या अपाचे जंक्शन जो है सिटी है, एरिजोना की सिटी है, तो इसकी ज़्यादा पॉपुलेशन पाइनल काउंटी में है, ठीक है, और बाकी जो है वो मैरीकोपा में है। तो इस तरह अक्सर आपको मैं बताया था कि एक सिटी के अंदर ज़्यादा काउंटीज़ भी आ जाती हैं और एक काउंटीज़ के अंदर ज़्यादा सिटीज़ भी आ जाती हैं। तो आप इसको दोनों को लिख लेंगे, अगर कहीं ऐसी चीज़ आ जाती है ना कि दो काउंटीज़ या तीन काउंटीज़ आ जाती हैं, तो आप उन दोनों को लिख लेंगे जब आप काउंटी सर्च कर रहे हैं, ताकि आप दोनों काउंटीज़ की वेबसाइट्स खोल के वहाँ से उसका डिटेल निकाल सकते हैं। अभी यहाँ मैंने एक पहले सर्च किया तो उसमें अब एक काउंटी भी नहीं थी, दो भी नहीं थी उसकी, ये जो सिटी है ये है ब्राज़ोरिया काउंटी, हॉरिस काउंटी एंड फोर्ट बैंड काउंटी, ठीक है, ये तीन काउंटीज़ के इस सिटी के अंदर तीन काउंटीज़ हैं, ये पेयरलैंड टैक्सेस की, ठीक है। इस तरह से चेंज भी हो जाती हैं, ज़्यादा भी आ सकती हैं काउंटीज़ एक सिटी के अंदर, और एक काउंटी के अंदर ज़्यादा सिटीज़ भी आ सकती हैं, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो ये वीडियो बनाई थी इसलिए छोटी सी, ताकि आपको पता चल जाए कि काउंटी सर्च कैसे करते हैं। सिंपल, आपने सिटी और स्टेट के नेम से जो है वो काउंटी को सर्च करना होता है, देन आप काउंटी असेसर की वेबसाइट सर्च कर सकते हैं। उसकी वीडियोज़ मैं पहले बना चुका हूँ कि काउंटी असेसर को जो है सर्च कैसे करते हैं। सो काउंटी सर्च करने पर नहीं थी वीडियो, ये उसके बारे में मैंने बना दी है, इंशाल्लाह आप लोगों को इसकी अच्छी समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।